दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। हालांकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हवाई जहाज में सफर करने के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि हमारे देश भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। और जब हमारा बजट ज्यादा होता है और साथ ही सफर भी लंबा होता है, तो अधिकतर लोग फ्लाइट से ही सफर करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हालांकि फ्लाइट का किराया थोड़ा ज्यादा होता है और फ्लाइट की अलग अलग क्लास के हिसाब से इसका किराया कम ज्यादा होता है, और अधिकतर लोगों ने फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में ही सफर किया होता है। बट दोस्तों, फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास के अलावा फर्स्ट क्लास फ्लाइट और बिजनेस क्लास फ्लाइट भी होती हैं, और जिनके बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। और साथ ही फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास फ्लाइट का किराया भी काफी ज्यादा होता है। हालांकि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास फ्लाइट का किराया ज्यादा होता है, लेकिन इनमें सुविधाएं भी काफी सारी मिलती है। अगर आप भी हवाई जहाज में सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं यानी कि आपका दोस्त सत्येंद्र आपको बताने वाला हूं कि फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में क्या अंतर होता है, जिससे कि आप अपने सफर के लिए एक सही ऑप्शन चूज कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी क्लास के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा रहती है, और यही वजह है कि अगर वो हवाई जहाज में सफर करते हैं तो वो इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, प्लेन में थर्ड क्लास को ही इकोनॉमिक क्लास कहा जाता है, और प्लेन या फ्लाइट में इकोनॉमिक क्लास का किराया ही सबसे कम होता है, और उसी के हिसाब से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, यानी कि इसमें बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से कम सुविधाएं मिलती हैं। इकोनॉमिक क्लास में पैसेंजर को सीट के सामने वीडियो देखने के लिए एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है। इसके साथ में कुछ और चीजें जैसे कि मैगजीन, तकिया, हेडफोन, खाना और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पीने के लिए भी चीजें दी जाती है। दोस्तों, यहाँ तीन तीन कुर्सियाँ आपस में लगी हुई होती है, और यहाँ पर आपको सीट के हैंडल पर हाथ रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। मतलब आपके पास में जो पैसेंजर बैठा होता है, हो सकता है कि आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि क्या मैं यहाँ पर हाथ रख सकता हूँ। और अगर आप विंडो सीट पर बैठे हैं, तो आपको टॉयलेट जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए आपको आपसे पहले बैठे उन दो लोगों को उठाना होगा, और इस काम के लिए भी लोगों को काफी सोचना पड़ता है। सीटों के बीच में जो जगह होती है, यानी कि जहाँ पर एयर होस्टेस चलती हैं, उसे ऑयल कहा जाता है, और ये जगह भी काफी सक्रिय होती है, और इसलिए जब एयर होस्टेस खाने पीने का सामान बांटने के लिए निकलती हैं, तो आपको काफी सोच समझ कर बाहर निकलना होता है। और अगर खाने पीने की बात की जाए, तो इसके लिए एकदम लिमिटेड मेन्यू होता है, और जो हर किसी को एक जैसा ही दिया जाता है, जैसे कि इसमें दाल, रोटी, सब्जी, रायता, थोड़ा सा मीठा, पानी की बोतल और चाय या कॉफी दी जाती है। अब अगर हम बात करें बिजनेस क्लास की, तो इसका किराया इकोनॉमिक क्लास से काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। और बिजनेस क्लास में ज्यादातर पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन ही सफर करते हैं, और यही वजह है कि इसका किराया ज्यादा होने के साथ साथ यह सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं। बता दूं कि इसमें सफर करने वाले लोगों के लिए अलग से चेक इन एरिया होता है। अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, तो वहाँ का स्टाफ आपके साथ काफी अच्छी तरह से पेश आता है। बिजनेस क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर के लिए एयरपोर्ट पर भी काफी अच्छी सुविधा होती है, जैसे कि उनके लिए वहाँ पर अलग से चेक इन एरिया होता है, और साथ ही उन्हें एक स्पेशल बिजनेस क्लास लाउंज भी उपलब्ध कराया जाता है, और जहाँ पर इंटरनेट, न्यूज़पेपर और खाने पीने जैसी सुविधाएं होती हैं। दोस्तों, बिजनेस क्लास की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें सफर करने वाले पैसेंजर्स को पहले उतारा जाता है, और साथ ही उन्हें कस्टम लाइन में भी पहले लगाया जाता है। बिजनेस क्लास में चौड़ी गद्देदार 8 सीटें होती हैं, और जो बिजनेस क्लास को इकोनॉमिक क्लास से अलग करती है, और इन कुर्सी को आप पीछे की तरफ झुकाकर आराम से सो सकते हैं। इसमें साइड में हाथ रखने के लिए 4 जगह होती है, और साथ ही कुर्सियों के बीच में भी थोड़ी सी जगह होती है, और अंदर की तरफ बैठे व्यक्ति को बाहर जाने के लिए दूसरों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें दो ही लोग होते हैं। एक तरफ बिजनेस क्लास के अंदर जाते ही आपको फेस वाइप्स दिए जाते हैं, मतलब फेस और हाथों को साफ करने के लिए खुशबूदार रुमाल, और आप चाहे तो आपको ड्रिंक भी मांग सकते हैं, या एयर होस्टेस आपको ये खुद ही ऑफर करती है। इसमें आपको खाने पीने के लिए एक लंबा चौड़ा मेन्यू दिया जाता है, और जिसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, और आप चाहे तो वेज या नॉन वेज खाना मंगा सकते हैं। साथ ही आप एयरपोर्ट पर लाउंज में सिर्फ अपनी टिकट दिखाकर आराम फरमा सकते हैं, और वहां लगे बफे का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इकोनॉमी क्लास के बाद बिजनेस क्लास में सफर करता है, तो वो काफी स्पेशल महसूस करता है। तो ये तो बात हुई बिजनेस क्लास की, अब बचता है फर्स्ट क्लास। दोस्तों, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास इकोनॉमी और बिजनेस क्लास से भी ऊपर होता है, और जिसे स्पेशली फेमस सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के कंपैरिजन में काफी महंगा होता है, लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वो भी काफी स्पेशल होती है। फर्स्ट क्लास कैबिन किसी भी एयरप्लेन में सबसे आगे होता है, और जिसमें काफी ज्यादा स्पेस और आराम होता है। फर्स्ट क्लास में आराम के साथ साथ आपकी प्राइवेसी का भी खासा ध्यान रखा जाता है।
साथ ही खाने पीने की चीज़ों का भी एक स्पेशल मेन्यू होता है। और प्लेन के फर्स्ट क्लास में जो खाना परोसा जाता है वो किसी 5-स्टार होटल के खाने से कम नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों 5-स्टार होटल के शेफ द्वारा ही ये खाना तैयार किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को प्लेन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।